और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है तो क्या कोई नसीहत कबूल करने वाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीज तलबा तलबात इस मॉड्यूल में कुछ मजीद वो सूरतें हम पढ़ेंगे कि जिन में अगर वक्फ करें तो आखिरी हरफ पर हरकत की तब्दीली क्या आती है तीन कायदे इससे पहले वाले मॉड्यूल में वक्फ करने की सूरत में आखिरी हरफ पर कैसे तब्दीली आती है हम पढ़ चुके चौथे कायदा से इस मॉड्यूल में हम पढ़ रहे हैं कि आखिरी हरफ पर हरकत की तब्दीली कैसे आती है बसूरत वक्फ आखिरी हरफ अगर हरूफ मद्दा या हरूफ लीन में से हो तो कोई तब्दीली नहीं आती अजीज़ तलबा तलबात स्लाइड आपके सामने है अमसला मौजूद हैं गौर आपने करना है देखना है कि इन मिसालों में मेंूफ मद्दा कहाँ मौजूद है या हरूफ लीन कहाँ मौजूद हैं फिर इसको हम वक्फ की सूरत में पढ़ें तो क्या कोई तब्दीली वाकई हो रही है या नहीं हो रही या वसल और वक्फ दोनों सूरतों में एक तरह की किरात है मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया वसल अच्छा वसल और वक्फ अजीज़ तलबा वालबा वक्फ होता है ठहरना रुकना और वसल होता है मिलाकर पढ़ना यानी एक तरतीब के साथ जैसे पढ़ते जा रहे होते हैं यह वसल होता है एक लफ्ज के साथ अगला मिल गया फिर अगला मिल गया मुसलसल हमारी रेसीटेशन ये वसल की सूरत होती है और जहां हम रुकते हैं उसको वकफ कहते हैं हमने अभी पढ़ा कि अगर जहां हम रुक रहे हैं वहां रूफ़ मद्दा या रूफ लीन हो तो वसल और वक़ में कोई फर्क नहीं एक ही तरह से पढ़े जाएंगे कोई तब्दीली वाकई नहीं होती जैसे इस स्लाइड में गौर करें लू अज़ीज़ तलबा तलबात आपको याद होगा कि वाओ साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाओ मद्दा होती है तो कौलू ये वाओ मद्दा है अब इसको वसल में पढ़ेंगे तब भी क़ालू यही पढ़ा जाएगा वक़ यहाँ कर लें रुक जाएं तो भी यही इसका साउंड रहेगा इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली दूसरी मिसाल है िफ लुहुमा अजीज़ तलबा तलबात आपको ये भी याद होगा कि रुफ मद्दा में हमने पढ़ा था कि खाली अलिफ आए उससे पहले ज़बर हो तो इसको अलिफ मद्दा कहते हैं इस दूसरी मिसाल में अलिफ मद्दा मौजूद है तो अलीफ मद्दा मौजूद है तो हम वसल और वक्फ़ दोनों सूरतों में सेम इसकी रीडिंग होगी हिफ रुके तब भी ऐसे पढ़ना है ना रुके तब भी ऐसे पढ़ना है तीसरी मिसाल अजीज तलबा तालिबात आपके सामने स्लाइड में मौजूद है कौली हमने यह भी पढ़ा कि या साकिन हो उससे पहले जेर आ जाए तो इसको कहते हैं याए मद्दा याए मद्दा तो यह याए मद्दा की मिसाल है तो इसको इसी तरह ही वसल और वक्फ़ दोनों सूरतों में एक ही इसका साउंड रहेगा आखिरी हरफ पर कोई तब्दीली नहीं आएगी कौली थोड़ा खींचेंगे जरूर रूफ़ मद्दा होने की वजह से लेकिन यहाँ कोई तब्दीली नहीं है हाजा हाजा अब यहाँ भी कोई तब्दीली नहीं है क्यों नहीं है ये आपने सोचना है कि यहाँ कौन सा रूफ़ मद्दा है जिस वजह से यहां वसल और वकफ़ में कोई तब्दीली नहीं है ये अमली मशक के तौर पर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन सा रूफे मद्दा है जिस वजह से वकफ और वसल में फर्क नहीं है अगली मिसाल वातावाओ अब वसल और वकफ दोनों में इस मिसाल को भी ऐसे ही पढ़ना है हमने जब दोनों मिसालों में एक ही तरह पढ़ा जाना है तो यहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी वकफ का पांचवा कायदा अगर आखिरी अरब से पहले साकिन हो तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती आखिरी हरफ पहले से ही साकिन हो एक तो था ना कि हम पढ़ने की वजह से साकिन कर देते हैं एक है कि ऑलरेडी लफ्ज पहले ही साकिन है जहां आप रुक रहे हैं साकिन पे ही रुक रहे हैं तो वहां भी कोई तब्दीली के मैक्सिमम आप क्या कर सकते थे सिंगल हरकत होती तो उसको गिरा देते साकिन करते ये है ही साकिन तो इसमें और क्या हो सकता है ये साकिन ही रहेगा उसकी तिलावत जो होंगी अब जाहरे मुसलसल पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ पड़ेंगे रुकना है तब भी वही है फ इस मिसाल पे मैं रुक के समझाने की कोशिश करता हूं फब आखिर में तो साकिन है साकिन रहेगा तो यहां नून साकिन है फिर नून साकिन है इसलिए यहां गुन्ना होगा आपकी अमली मशक एक्टिविटी के तौर पे यह है कि आपने यहां आइडेंटिफाई करना है कि गुन्ना की कौन सी किस्म यहां मौजूद है आखिर में अगली मिसाल पांचवें कायदे के तहत देखें यू लद यू लद अब पहले ही दाल साकिन है तो यह साकिनी रहेगी वक्फ का छठा कायदा यह है अगर लफ्ज के आखिरी हरफ पर तशदीद यानी शद हो तो वक्फ करते हुए इस हरफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है जैसे अलमस्तर रू ये है वसल की सूरत मुसलसल पढ़ने की सूरत अगर आप वक्फ करते हैं तो कैसे पढ़ेंगे अल अलमुस्तर सख्ती के साथ थोड़ा पढ़ा गया इसी तरह स्लाइड में गौर कीजिए अल गमी अलगम गम सख्ती से पढ़ा हरकत तो गिर गई लेकिन सख्ती से पढ़ा गया जानुन। नून के ऊपर दो पेशे जानुन। इसको जब पढ़ेंगे जान जान पेशे हमने गिरा दी लेकिन पढ़ा उसको सख्ती के साथ यहाँ यह भी गौर करें यहां नून मुशद्दद है तो वो गुना भी करना है और साथ में इसको सख्ती इस से भी पढ़ना है बिल बिलहक यहाँ भी एक और आपके लिए एक्टिविटी है कि यहाँ बिलह बिलहक इस काफ़ को हमने कलकला करके पढ़ना है तो कलकला वाले हरूफ आपने रिमाइंड करने हैं कि कौन कौन से हैं और उन पर कलकला कैसे किया जाता है हज फिल हज फिल देखें यहां रूफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ा गया वक्फ का सातवां कायदा यह है कि अगर आखिरी हरफ गोल ता बने किसी लफ्ज का आखिरी हरफ गोल ता बन रही हो तो फिर उसको हा से बदल देते हैं और आसान समझ लें उसके नुकते उड़ा दें बस कि ता नहीं पढ़ना उसको हा पढ़ना है नुकते उड़ गए गोल ता के तो हा रह जाती है इसका एक नाम वैसे ताए मुदवरा भी होता है गोल ता इसको कैसे पढ़ेंगे लू माजा तिन अब ये वसल है लगातार पढ़ेंगे तो इसकी जेरें पड़ी जाएंगी इस ता की लू माजा तिन रुकेंगे तो वक्फ में क्या होगा लूमा ज में बदल गई समानिया तुन समिया वा कुवाह इस अंदाज़ में पढ़ा जाएगा कि आखिरी हरफ पर ए, किसी भी लफ्ज़ का आखिरी हरफ गोलता बन रही हो उसके नुक्ते ख़त्म हो जाते हैं वो हा बन जाती है और हा के साउंड के साथ उसको पढ़ा जाता है तो इसके साथ ही वक्फ़ की हालत में आखिरी हरफ पर होने वाली तब्दीलियों का जो चैप्टर था वो हमारा मुकमल हुआ